लाहौरी बशिंदा मेरा दोस्त आया। हाँ जी लाहौरी, ये पाजी कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, तुम सुनाओ। की फटे फटे करना शुरू करते हैं। तो फटे नहीं, आज आज कोई आए हैं दो तीन, मुझे लगता है बैकी हैं बेचारे आए हैं आज। उन्होंने ना आगे हमारे सुनने वालों को धमकाने की कोशिश की है, तो इसलिए मैं उनको बता रहा हूँ कि अड्डी इनकी औकात नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, लिटरली कुछ नहीं कर सकते। बिजली का कड़ाका मैं इनके अल्लामिया को कह रहा हूँ पिछले कुछ 1.5 साल से, कड़ाका मारे अल्लामिया बिजली का, एक कड़ाका हो जाए अल्लामिया कड़ाका मार नहीं सकता। और ये बने हुए मैं ढूंढ रहा हूँ, सर्च मार रहा हूँ, हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं आपको ट्रैक डाउन करने के लिए, ना उससे कोई इनका काम बनता है ना इस तरह काम बनता है, ऐसी फजूल को मैं। अच्छा सॉरी, आप मुझे पता है कि ये मतलब यूरोप भी जो है ना इनका कुछ नहीं जो है ना बिगाड़ सकता, जो लेके जाते हैं यहीं से वही करते हैं पागल के बच्चे। ये अभी इन्होंने बदनाम किया, इन्होंने नुकसान ही पहुंचाया, फायदा क्या है मारा, नुकसान किया भाई मारा, ये जो बातें करा ये को बातें करने वाली है। ये देखो ये ऐसे ऐसे पकड़े जाते हैं, ये वही है जिसने पेरिस में हमला किया था जब वो चार्ली एब्डो का कार्टून उन्होंने ये वाला लगाया था। तो खैर सॉरी, आपको मुझे पता आप मुसलमान, आपको मैं आपकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन आई एम स्पीकिंग अबाउट दीज पीपल। ऐसे छितर खाते हैं पूरी दुनिया से, फिर आगे हीरो बन जाना, यार आपको ही क्या है यार ये लोग। चले आप आज क्या बात करना चाहेंगे? देखो और मेरा जो है ना, देखो मेरा अब मैं क्या बताऊं आप कौन दादा, क्योंकि आप ऐसे लोगों में रहे हो। मेरा मुझे पता है सारी दुनिया मेरा बड़े 30 साल से लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि मेरी जो है ना ये जुबान कैठी है, लोग समझते पागल फुद्दू है, पागल है, बेवकूफ है। और भाई अंदर से मेरे दहन में भी बहुत सारी चीजें चलती है, मैं दिमाग मेरा काम करता, मैं अब क्या करूँ, मैं नहीं इसको सारी जिंदगी इसी बड़ाटा पैसा था कि अब मैं जो वो नहीं मेरी वो जुबान का ठीक हो सकता, तो मैं इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, लोगों को बेवकूफ को पता कोई नहीं है। अच्छा यानी मैं जो बात मेरी जो मेरी समझ में आती है ना वो ये है कि यार ये जो सबसे बड़ा मसला पता क्या हर्ष, और मुझे पता लगता है कि जिसमें आप भी वो जो है ना कभी कभी फंस जाते हो, लेकिन अक्लमंद आदमी हो और समझदार आदमी हो, और बेचारा गाड़ी जो है वो गुच्छे के अंदर जो है ना वो आग बगोला उसका, क्योंकि हिस्ट्री है, मुझे पता है कि उसको तकलीफ होती थी कि जब पाकिस्तान में जो है वो देखता था कि क्रिश्चन के साथ जो है ना वो नॉन ठाफी तो नहीं गए, लेकिन उनको ज़ाहिर है लॉर्ड ह्यूमन बींग समझते हैं हमारे जो है ना, उनके साथ कोई बर्तन लादा रखो ये तो ठाई है, तो ये वो जो जुमले कसना और गंदे गंदे वर्ड चूड़ा कहना ये छोटी चीज़ नहीं है भाई। जब एक स्टार जो था ना यूसुफ जो है ना, उसने अच्छा नहीं खेला तो बाहर थे ऐसे बंदर किस्म के ये लोग, तो मैं मैच देखने गया चूड़ा चूड़ा के नाड़े लगाना शुरू कर दिए लोग, ऐसे चपल हमको अंदाजा नहीं है कि छोटे छोटे लफ्जों से कितनी तकलीफ होती है दुनिया में। यानी बट मैं जो कहना चाह रहा था ये था कि हमें जो शुरू से समझाया जाता ना, वो जो बात करी थी वो भी खत्म कर लूँ कि एक दफ़ा आपने ना स्ट्रीम में कहा भाई, हालांकि आप बड़े मजे ले ले के छना टुन्नी कहते होते थे, लेकिन आपने कहा भाई नहीं टुन्नी अब शना टुनी नहीं, क्योंकि ये बिगटरी मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूँगा। और इसने कहा नहीं भाई मैं तो पक्का हूँ मैं छेड़ूंगा वो गल अपने थोड़ी, आपने कहा भाई नहीं ये करनी, हमें यार चीज़ें ठीक नहीं पड़ी। देखो यार एडा मुस्लिम ये जो है ना प्रोपागेंडा हिंदुत्व का बहुत बकवास है, ये जो है ना बहुत ओवर भी होते हैं, माड़ी किताबों में ये लिख दिया ये कर, ओ भाई सारा कुछ किताबों में नहीं। लेकिन आप ये देखें, आपको ये नहीं लगता कि ये वो वही बातें करते हैं जो आपके सुन्नी करते हैं, मोमिनीन जो करते हैं वही बातें, लॉजिक तो वही दे रहे हैं ना वो भी। आज हमने जो आपने शुरू में मेरा ख्याल नहीं देखा होगा, ये मैं ये कह रहा था कि आपने शुरू में देखा होगा कि वो एक वो एक्स हिंदू ही था, वो लड़का आता है यहाँ पे, उसने दिखाया उनकी बुक में, उनके भी एक वो पता नहीं वो आर्टिकल उसने शेयर किया कि वहां पे वो कह रहे हैं हमने रामायण पढ़ानी है, और वो कह रहे हैं हमने श्री कृष्णा की सीरत से सीखना, तो ही डिडंट यूज द वर्ड सीरत बट उनकी जिंदगी से हमने सीख के अपने बच्चों को सिखाना। अब मुझे बताएं इसमें क्या डिफरेंस है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं हमने कुरान लाजमी करना, जिस तरह वो उधर से कह रहे हैं हमने रामायण लाजमी करनी है, और इधर से वो कृष्णा की उधर से भाई, बात भाई, 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 आप 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 बहुत लंबा हो जाएगा, मैं समझ गया हूँ आप इस टॉपिक पे तो पूरी रात बोल सकते, मुझे पता जो आपका फड्डा वैसे भी आपको गुच्छा चढ़ता है इस पे, लेकिन मैं बताता हूँ उसकी क्लैरिटी क्या, सिंपली बात पता है क्या आप इसको सेकंड करोगे अभी, असल में मसला क्या, अदर डे समबडी वाज सेइंग के जो जितने जो हैं वो पता नहीं 2,000 से 2,500 पता नहीं आप ही कह रहे थे किसी दिन के वो जी इससे ज़्यादा मदद नहीं चलता, तो मदद खत्म हो जाते हैं, मतलब उनकी जो है ना वो पोटेंशी नहीं रहती, वो तो स्ट्रांग नहीं रहते,
लोग छोड़ना शुरू करते हैं। और भाई हिंदुइज्म तो कहता है पता नहीं हजारों क्या लाखों साल पुराना है, तो कुछ किस अंदर तक कख भी नहीं था। और चलो छोड़ो उसको, मैं ये कह रहा हूँ। अब देखो एक जमात है जिसका नाम है बीजेपी, जो कि बनी हिंदुत्वा पे, उनको पता है कि उन्होंने आने ही नहीं है गवर्नमेंट में, उनको कांग्रेस के साथ एक तरीके से था कि वो हिंदुत्वा का इंजेक्शन लोगों को लगाते रहने का करते हैं। बकवास तरीन चीजें हैं इसके अंदर, कोई इसके अंदर किसी किस्म का वो जो है ना वो क्या कहते हैं रिलीजियस जो है ना वो अच्छाई का नहीं दर्श देते, ये देते हैं एंटी हिंदू। जैसे मैं अगले छोटी बातों से निकल जाती है, लेकिन ये जो दीक्षित पागल का बच्चा है, अब मुझे ये बताओ कि ये अपने आप को IPH IPH काटा, पहले दिन इसने वोक के खिलाफ जो है दिवाली पे चलाया, जी ये देखो जी ये मैं बम चला रहा हूँ, ओ वो बम नहीं क्या होता वो जो पटाखा, कल पाकिस्तान में आया चाटा फिर शॉर्ट वीडियो निकाल के ले आया, जी ये देखो जी पाकिस्तान हार गया चलो जी वापस। ये सिर्फ नफरत फैलाने वाले लोग हैं, और इनका डंडा सिर्फ नफरत का, बीजेपी का सिर्फ एक डंडा। आम आदमी को जिड़प ये छोटना है कि भाई हमने नफरत नहीं करनी। देखो इसका नुकसान बड़ा शदीद होना, हालांकि आपने ये कहा था कि न्यूजीलैंडर उस यूट्यूबर को देख के तो किस लेवल पे गया था, तो यहाँ पर एक है, एक बंदा था न्यूजीलैंड, यहाँ पे 1.3 बिलियन के अंदर थे 1 बिलियन हिंदू आ, जब वो इस तरह चार्ज अप होगा ना तो सोचो क्या होगा। और ये चाहते हैं चार्ज अप हो रहे स्टूपिड को, बीजेपी सपोर्टर्स को ये नहीं पता कि ये हेल्पिंग ISI, ISI वांट्स दिस कि वहां पर भी हिंदुत्व ज्यादा तगड़ी हो, ताकि वो भी आपस में लड़े मरे फिर हम इनको देख लेंगे। जो बीजेपी की ऑफिशियल पॉलिसी या इंडिकेशन रही है, ओके मोदी जी ने कभी डायरेक्टली नहीं कहा ये, लेकिन मोदी जी के आने के बाद जो राइज हुआ, अभी कंगना रनआउट ने भी स्टेटमेंट दी है कि 2014 से पहले तक तो भारत आजाद ही नहीं था, पहले हम भीख मांग के आजाद हुए गोरों से और अब आजाद हुए हैं असल में 2014 जब से मोदी जी आए हैं, यानी उन्होंने उनको भी रगड़ दिया अपना क्या पिछले अटल बिहारी वाजपेयी को भी रगड़ दिया उन्होंने कि वो भी नहीं थे आजाद इंडिया के लीडर। तो इसमें कुछ शक की बात नहीं है कि जो हेटरेड हिंदुत्व की हम देखते हैं जो राइज में आई है, भाई हम बार बार आपसे, मैं तो हाथ जोड़ के यही कहता हूं कि आप ये समझते हैं कि वो जी ये पता नहीं क्या हो, ये पाकिस्तानी तो अंदर से मुसलमान तो जाती है तो पता नहीं क्या क्या, आप जब भी अपने इंसानों को मारेंगे उनके खिलाफ नफरत की बात, ये देखें ये जो भी जो आए थे लौंडे ऐसी बातें कर रहे थे, उसको बड़ा फखर है इस बात पे कि हम काफरों को मुलहिदों को मुर्तदों को पाकिस्तान की गलियों में लोगों को मार सकते हैं, ही डिड दैट विद सो मच कॉन्फिडेंस। और अभी जाके आप सर्च मार लें आपको सैकड़ों से ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगी जहां पे मुसलमानों को पीटा जा रहा सड़कों में। तो ये काम जो है ये इसका फायदा किसी को नहीं हो रहा, ये नफरत फैल रही है और आप उसी डगर पे जा रहे हैं जिस डगर पे पाकिस्तान को डाला गया था, और अब ये नफरत के शाखसान इनको भुगतने पड़ेंगे और अनफॉर्चुनेटली इसका स्पिल ओवर जो है वो पूरी दुनिया में आ रहा है, ये पूरी दुनिया में नफरत इस तरह की फैल रही है। चले बहुत शुक्रिया लॉरी बिशन, बस बात खत्म करूँ, आखिरी जो है ना वो यही कहनी है, सिर्फ छोटी सी यही कहना चाहता हूँ कि मैं जब पहली दफ़ा किसी यहूदी को मिला था ना, तो मेरे दिल में उसके लिए कोई नफरत नहीं थी। दिस वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे दिल में इस तरह की चीज़ें आए, हम लोगों को ये नहीं कहा कि जाके उसका गला उतार दो, हम लोगों को ये नहीं कहा कि मुर्द को मार दो, मौका दिया हुआ है उनको। हाँ इसीलिए देखो आप पाकिस्तान में होते हैं तो इस तरह की बात ना करते, आपको पटा था कि भाई मेरा सीधा गला कमा काट देना इन्होंने। मैं ये कहना चाहता हूँ जरा मेरा मकसद जो मेरी सब भाइयों को जो है ये है कि वी कैन को एग्जिस्ट विद हिंदू क्रिश्चन ज्यूज एनीबडी। ये जो इस तरह की अपनी जिसकी शक्ल आपने दिखाई थी चाली अड्डो वाले वो जो कत्ल वाले केस में, यार ये कोई इंसान का बच्चा था, ये ऐसा माइनर आया बास्टर्ड, मैं इसके मुंह पे चपेड़े मारूं, मुझे शर्मिंदा करा दिया इसने मुसलमानों को, ये तरीके कार है, ये खुद अपने आप को मुसलमान कहाँ से कहता है, वो बेचारों को इसने, ओ यार इसने जो मुड्डी जो गोश्त काटते हैं ना जो, तो उससे मारा तो यार, मतलब इतना बड़ा जुलम है, मतलब मेरी तकलीफ, मतलब हार्ट गोज आउट सैमुअल पैटी के साथ कितनी जाती है यार, देखो कितना जुलम है यार, एक स्टार था वो और वो अपने मुल्क में बैठा था, तुम्हारे पाकिस्तान में नहीं, कितना जुल्म किया यार इन लोगों ने।
बहुत अफसोस होता, बड़ी तकलीफ होती है कि यार मैं ये समझाना चाहता हूँ कि यू कैन बी अ गुड डिवाउट मुस्लिम, आई एम वन, लेकिन मैं इस तरह की बदर्दी पे बिल्कुल यकीन नहीं करता, बकवास है। आई एम अ पर्सन हु लव्स इंडियन अक्रॉस द बॉर्डर, आई लव ऑल इंडियंस। मुझे पता 99% जो लोग हैं ना वो अच्छे होते हैं, ये जो गंदे अंडे होते हैं ये हर जगह पे होते हैं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।